अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम आपको बहुत ही मज़ेदार और बहुत लजीज डिश बनाना सिखाएंगे, जिसका नाम है दही चिकन। दही चिकन ये एक बहुत ही मज़ेदार डिश है। आज हम आपको इसकी रेसिपी भी देंगे और बनाना भी दिखाएंगे और इसका तरीका सिखाएंगे, ताकि आप भी बना के इसको मज़े मज़े से खाएं। अच्छा जी, ये जो दही चिकन है, इससे पहले कि हम आपको इसकी रेसिपी दें, जिन लोगों ने हमारा चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें और नीचे कमेंट्स के अंदर अपने ख्यालात का इजहार भी करें और मज़ीद अच्छे अच्छे मशवरे भी दें। अच्छा जी, हम आपको इसकी पहले रेसिपी देते हैं कि ये जो दही चिकन वाली डिश है, इसके अंदर क्या क्या डलता है। इसके अंदर जी 4 अदद हरी मिर्च, ठीक है जी, ये हमने चॉप की हुई हैं। 1 प्याली दही, 1/2 कप जो है वो घी चाहिए, ठीक है, और अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, 1 चम्मच बड़े वाला, हल्दी 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया और नमक। नमक और लाल मिर्च जो है वो अपनी आप जितना अगर स्पाइसी खाते हैं उतनी तेज़ कर लें, अगर कम खाते हैं तो उसमें कम डाल लें, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लाल मिर्च नमक डाल सकते हैं। इसके अंदर 2 दरमियाने प्याज डालते हैं, टमाटर डालते हैं, चिकन डालते हैं। 2 दरमियाने साइज़ के जो प्याज हैं उनको चॉप किया हुआ है, ठीक है जी, और 1 बड़े साइज़ का टमाटर है उसको भी चॉप किया हुआ है, और 1/2 किलो जो है ना वो आपने चिकन लेना है, ठीक है जी, 1/2 किलो चिकन लेना है। ये सब अज्जा के साथ अब हम आपको दही चिकन बनाना सिखाएंगे, तो आ जाए अब इसको हम तैयार करते हैं, आपको बताते हैं। सबसे पहले अब हम जो है वो चूल्हा जलाएंगे और फिर उसके अंदर घी डालेंगे, घी को गर्म करेंगे। घी को गरम करने के साथ ही फिर हम इसके अंदर चिकन डालेंगे। नमक डालेंगे, अब इसके अंदर जो है वो प्याज डालेंगे। पहले घी गरम करेंगे, उसके अंदर चिकन डालेंगे, फिर उसमें प्याज डालेंगे। अब हमने इसके अंदर प्याज डाल दिया, अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे, हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, टमाटर डालेंगे और ये सब्ज़ मिर्च जो हमने चॉप करके रखी थी वो डालेंगे।
अब हम इसको दम की आंच पे कुछ देर के लिए ढकना रख के डाम देंगे और दम पे छोड़ देंगे। चिकन जो है वो अपने और प्याज के पानी के अंदर खुद ही अब गलेगा। अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। हल्की आंच पे हमने इसको पकने के लिए रख दिया था। अब हम ढकना उठा के देखते हैं। ये देखें जी, ये जो पानी है ये प्याज का और टमाटर का अपना ही पानी है, इसी के अंदर चिकन पका है अपने ही पानी में। अब हम इसके अंदर ना दही डालेंगे। ये जो पानी है ये प्याज और चिकन का अपना ही पानी है, ये चिकन अपने ही पानी में पका है। अब हम इसके अंदर दही डालेंगे। अब हमने इसके अंदर दही डाल दिया। अब ये दही के पानी के अंदर ये चिकन पकेगा और अब इसको हल्की आंच पे रख देंगे पकने के लिए। ये देखें जी, ये चिकन जो है तैयार हो रहा है। हमने आपको ढकना उठा के दिखाया है। ये दही के पानी के अंदर ही चिकन जो है ना इस वक्त पक रहा है। ये देखें जी, ये तकरीबन तैयार हो चुका है। अब हम इसकी अच्छी से तरीके से भुनाई करेंगे और ये जो दो सब्ज़ मिर्चें थी वो हमने डाली हैं इसके अंदर और अब हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। ये बड़े मज़े की डिश है, बड़ी मज़ेदार डिश है, दही चिकन। आप भी इसे ट्राई कीजिएगा, अपने घर में पकाइएगा। इसकी भुनाई जो है वो घी आने तक करेंगे। जब तक घी ऊपर नहीं आता तब तक इसकी भुनाई करेंगे और जब ऊपर घी आ जाएगा फिर इसकी भुनाई नहीं करेंगे। जब घी ऊपर आ जाए तो उसका मतलब है कि आपका ये सालन तैयार हो चुका है। तो ये जो डिश है दही चिकन, जब इसकी बुनाई मुकम्मल होगी तो घी ऊपर आएगा, उसका मतलब है कि आपकी ये डिश तैयार हो चुकी है। ये देखे जी, बुनाई होने के बाद जो घी है वो ऊपर आ गया है। ये देखिए, ये घी आपको नज़र आ रहा होगा, ये घी ऊपर आ गया है। इसका मतलब है कि आपकी ये डिश तैयार हो चुकी है। अब हमारा जो दही चिकन डिश है वो तैयार हो चुकी है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें, कमेंट्स में लिखें, अपने अपने अच्छे मशवरे दें, कमेंट्स दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।